गाइस दिस इज समीर मार्क, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये व्लॉग बहुत मस्त जाने वाला है बिकॉज मैं जा रहा हूँ दुबई, दुबई के बाद रशिया, और मेरा रशिया फर्स्ट टाइम है। वहाँ जाना है। तो मैं बहुत सुना था कि रशियंस 6000 में मिलती है। मैं सच बोलूँ तो मैंने कभी रशियंस को देखा ही नहीं था, और जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ जो मैं वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ था वो रशियन नहीं है, वो फ्रांस की थी। मैं बाद में समझा इसको रशियन क्यों बोल रहे हो। फाइनली मैं रशिया जा रहा हूँ और वहाँ पे रशियंस है, तो मेरा भाई मुझे मिलाएगा रशियन से जस्ट फॉर द वीडियोस। और मेरे साथ है सरफराज, ये भी जा रहा है मेरे साथ, और जोया का कैंसिल हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस आने वाले, उस टाइम पर शायद जोया का हो जाए तो अच्छा है। साथ में आएगी जोया, हम लोग काफ़ी लेट है। और तो गाइस ये व्लॉग मैं पार्ट्स में डालने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और आई थिंक मैं 9 या तो 18 को वापस आऊँगा, और शायद मेरा रमज़ान भी मेरे ख्याल से रशिया में जाने वाला है। क्या हुआ, क्या ले रहा है, व्हाट योर टेक, क्या ले रहा है? ओह वाह, बहुत टायर्ड में से बहुत थक गए हम लोग, बहुत फास्ट किए बिकॉज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। चले तो गाइज आप लोग में से कौन कौन रशिया गया है कमेंट करके बताओ, और मुझे बताने कि रशिया में मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए तो भी आप लोग बताना, बिकॉज मेरा खुद फर्स्ट टाइम है और मैं घूमूंगा और देखूंगा। ये भी मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा कि लड़कियाँ देखने में, लड़कियाँ मतलब वो वे में नहीं बट। और मैंने ये भी सुना कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, मीन्स एशियन एंड बता ना, एशियन का भी थोड़ा उनमें मिक्सचर है, पता नहीं कैसे, लेट्स सी क्या होता है। और मैं ट्राई करूँगा उधर वीडियोस में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल बनाने वाला, मतलब नॉट नेक्स्ट लेवल, एक्सट्रीम लेवल बनाने वाला, अच्छे और ट्राई करूँगा कुछ वहाँ पे। अगर जोया रहती तो मैं कपल वीडियोस काफ़ी सारे बनाता, बट जोया नहीं है तो वहाँ पर मैं दूसरी लड़कियों के साथ, रशियंस के साथ, और मैं ट्राई करूँगा उधर कोलैब करने का। अगर कोई उधर अच्छा इन्फ्लुएंसर है फीमेल में तो उसके साथ कोलैब करूँगा, अगर मेल में फैशन में काफ़ी अच्छा कोई है तो उसके साथ भी मैं कोलैब करूँगा। चलना ये भाई, आप लेट नहीं हो रहे क्या, देखो झुका वो ठुका जो झुका वो ठुका। चल ये इसके प्रोटीन पफ्स, ये है हमारा डोरेमोन पूरा भर के रखता है। ऋषि जब आया था तो ऐसा कांडी था, और आज ऋषि डांडी है, डांडी जैकेट्स लेगा कुछ ऐसे, मैं शॉपिंग करूँगा रशिया में, लेट्स सी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। तो ये टाइम मैं मेरे कुछ जैकेट्स और हुडीज़ भी लेके आया हूँ मार्क स्टाइलिंग के, यस ये टाइम मैं मार्क स्टाइलिंग के मेरे हुडीज़ लेके आया हूँ, और वहाँ पे मैं शूट करके अपलोड करूँगा। तो गाइस ये वीडियो को पूरा देखना बिकॉज डे 1, डे 2, डे 3 आने वाले, मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी चलते हम लोग, फाइनल इमिग्रेशन हो चुका है, इसमें से आते, चलो लेट्स सी। शिट यार, जोया होती तो मज़ा आता, लेकिन नहीं है फिर भी मज़ा आएगा पर दोनों ने हंस दिया, वो ज़्यादा रशिया में मजा। तो गाइस फाइनली हम लोग भाग भाग के, आप लोग देख सकते हो पसीना पसीना हो गया, बहुत तेज भागा हूँ, पहुँच गया मैं। क्या बोल रहे हो? अबे बिल्ली का स्मेल आ रहा है, इसके बैग में साथ रहेगा। ये बिल्लियों का शौकीन है, और तू क्या शौकीन है क्या रखता है डॉग शॉट, डॉगी, ऋषि को डॉगी पसंद है, डॉगी डॉगी पसंद है, ऋषि डॉगी पसंद है, डॉगी नॉटी है, नॉटी ऋषि बहुत नॉटी है। बस फाइनली मैं बैठ गया हूँ फ्लाइट में,
और यहाँ का भी 3 घंटा लगेगा पहुँचने में। वहाँ से पहुँचने के बाद बाहर निकल के दूसरी फ्लाइट पकड़ना है रशिया के लिए। तो बहुत गर्मी बहुत हो रही है और ऊपर से मैं हुडी डाला हूँ और अंदर मैंने टी शर्ट डाला हूँ। अभी 3 घंटे हो चुके हैं और बहुत नींद लो मैं क्योंकि सोया भी नहीं हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि इसके बाद 4 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रशिया के लिए। और रशिया 6 घंटे का और बड़ा रास्ता है। फर्स्ट टाइम मैं इतना ट्रैवल करने वाला हूँ और अभी से मेरी हालत ख़राब है। 3 घंटा निकालने के लिए मैंने पूरी गली मूवी कौन सा गली बॉय मूवी ख़त्म कर दिया, फिर भी एक ख़त्म नहीं हुआ रास्ता। सो हम लोग दुबई पहुंच गए फाइनली यूएई। यहाँ की लाइटिंग मस्त है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जाऊँ और मेरे सेकंड अकाउंट के लिए कुछ कंटेंट बना लूँ बुर्ज खलीफा के इधर, मज़ा आएगा। एंड हमारे साथ एक और इन्फ्लुएंसर है, शी इज़ वेरी क्यूट एंड इनके जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छे डांसर है, मैं उनकी वीडियोस देखते रहता हूँ। सो ऋषि, कितना टाइम लगता है पता पहुँचने में? की गर्लफ्रेंड मुझे मिल चुकी है। एटीट्यूड यस। सो अभी हम लोग ये ट्रेन में जाने वाले, 4 साल के बाद में ट्रेन में ट्रैवल करने वाले। कहाँ से हो भाई आप? कहाँ से हो? मथुरा से हो? शेक कंट्री। अरे लड़की किधर गई? इधर बैठो, लग जाओ, इनको आने देना नहीं। बैठोगे? उठो उसको। ये बहुत ज़्यादा पी ली है, पीने के बाद हरकत चालू है इसकी। ये मेरा 4th टाइम है दुबई में और रशिया में मेरा 1st टाइम होने वाला है, फिर अगले मंथ 2nd टाइम। और मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन पूरी दुनिया घूमूंगा। ऋषि का बैग आ चुका है, बस मेरा बचा हुआ जा तो उधर पकड़ रहा हूँ। मुझे पूरी दुनिया घूमूंगा मैं अच्छे से, इंशाल्लाह मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ घुमाऊंगा। तो गाइस, मेरा बैग आने में मुझे आधा घंटा लगा, हम लोग को मिल रहा ही नहीं था। वहाँ पे किसी ने तो निकाल के रखा था और मैंने न्यू बैग खरीदा था तो मैं भूल गया था कि मेरा बैग कौन सा है। फाइनली मिल गया और मेरे साथ जो दूसरी इन्फ्लुएंसर आई है उसका बैग ही नहीं आ रहा अभी तक, तो उसकी वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी निकले बिकॉज गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत गर्मी हो रहा है मेरे को इधर, अंदर से हम गर्म है गर्म है। मैं यहाँ पे बैग का वेट कर रहा हूँ, उसका बैग ही नहीं आ रहा है। ये भाई के साथ, ये भाई हमारे पाकिस्तान से, बोला था ना पाकिस्तानी वाले बहुत स्वीट होते, बहुत स्वीट है ना भाई। और ये भाई को उर्वशी रैटुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है ना? बहुत पसंद। मैं मिला हूँ। शादी करोगे? नहीं, शादी तो बहुत बड़ी है मुझसे। बहुत बड़ी है। हम लोग इधर बैठे गरीबों जैसा बैठे इधर, कब बैग आएगा? देखो ना, बैग यहाँ से बैग निकल रहा है, इधर ही बैठा हूँ मैं। अच्छा भाई, इस पे अगर लेट जाऊँ और लेट के जाऊँ तो क्या होगा मेरा? लेट पे आप सीधा हॉस्पिटल पहुँचोगे। अच्छा, इस पे लेटा तो कुछ प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम? क्यों ऐसा? हॉस्पिटल पहुँच जाओगे आप डायरेक्ट। ऋषि लेट के देख जरा,
यार कब बैग आएगा। टैक्सी मिल चुकी है और टाइम हो चुका है यहाँ का 3:30, नहीं नहीं 4 बजने वाला है। और अभी हम लोग यारयाल मखदूम और हालत पूरी ख़त्म हो चुकी है। आवाज़ मेरी बाहर नहीं आ रही है, मैं चार आवाज़ बाहर आए और इनकी पूरी हालत डाउन नहीं, पूरी ख़त्म हो गई सबकी। मेरी तो मेरे बैग ने पूरा हालत खराब कर दी खड़े। इनके आज बहुत बड़ा टास्क था इनका बैग ढूंढने का। मेरा बैग जितना जल्दी गया है उतना लेट आया है। अभी बहुत पहले देंगे और अभी तो सबसे मेन है 6 घंटे का और फ्लाइट में बैठना है। पूरी पूरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी, बस मुझे अभी सोना है कैसे भी जाके। बस अल मखदूम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और ये पूरा खाली एयरपोर्ट है, पूरा खाली खाली। इधर रशियंस दिख रही है, रशियंस लोग और हम कुछ इंडियंस लोग बस। क्यों हेलो किधर लगाया फोन, हमसे क्या काम है? तो कुछ तो था ना डायलॉग, कॉमेडी कर रहा था क्या? अच्छा ऐसा बोल तो हंसना है मेरे को। गाइस अभी एक न्यू चीज़ मालूम पड़ी है, मैं तो थोड़ा पीछे था, ये सुना है बोल। ये जो एयरलाइन है पर्टिकुलर नाम भूल गया मैं बताऊंगा, कुछ अजीब सी एयरलाइन है रशिया की, लोकल एयरलाइन है रशिया की। तो उसका ऐसा एक रूल है कि भाई अगर आप रशिया के अदर कंट्री से हैं, मतलब रशिया के नहीं हैं, तो आपका पासपोर्ट या आपकी आईडी पहले एयरलाइन को भेजेंगे, फिर एयरलाइन उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही आप यू नो एलिजिबल रहोगे एयरलाइन पे सफ़र करने के लिए। तो बहुत सफ़र हो रहा है हमें। पहली बार ऐसा सब देख रहा हूँ। फिर ऋषि गया है सबका पासपोर्ट लेके, अभी देखते क्या नया रूल है सब। फाइनली फाइनली टिकट आ चुकी है, 1 घंटे बाद टिकट आई हम लोग की। अभी हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट एयरलाइंस में। ये एयरलाइंस ऐसा है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता इसमें, बिकॉज ये टिकट सिर्फ गवर्नमेंट ही बुक करती है। और इसलिए हम लोग का हुआ कि बिकॉज हमें भी गवर्नमेंट ही बुलाई है रशिया। तो देखते हैं उधर क्या क्या होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं करूँगा, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। तो बने रहना, पूरा व्लॉग देखते रहना। तो गाइस फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ और मुझे लगा था फ़्लाइट बहुत बड़ी रहेगी, कुछ अलग रहेगी, बट बहुत छोटी फ्लाइट है। रशिया पहुँच गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखने में लग रहा नहीं कि ठंड है बिकॉज धूप ज़्यादा दिख रही है, बट ठंड बहुत है। और ये ट्रैवल मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा बिकॉज बहुत कुछ मेरे साथ हुआ ट्रैवल में। 19 घंटे की ट्रैवलिंग हद पार। इसमें जितना सोचा था ना उतना इजी नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है रशिया, रशिया माफिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना जिसकी हद नहीं। Здравствуйте, ребят. Вы русскоязычные или немецкоязычные? Мы русскоязычные. А вы... हम लोग कार में बैठ चुके हैं और होटल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि घर ना काफ़ी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, लाइक डोरेमोन में आप लोग देखते रहोगे, सब छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से एकदम घर। और काफ़ी क्लीन सिटी है, काफ़ी क्लीन है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो शक्ल की तो माविन हो चुकी है।